देख सकते हैं, ये जो मक्का होता है उसको बहुत पौष्टिक आहार मिलता है, उसकी वजह से जितना भी उसको इंजर्ड है वो जल्दी भर जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इससे पहले भी हम लोगों ने एक फ्लेमिंगो जो पक्षी था, फ्लेमिंगो जो साइबेरिया देश में से अपने इंडिया में आता है और 3-4 महीने का मेहमान रहता है, तो वो भी ऐसा ही एक मांझे के अंदर इंजर्ड हुआ था, तो उसको भी हम लोगों ने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट दे के अच्छा किया था। और वैसे ही मोर जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, तो उसे भी हम लोगों ने अभी ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया है और वो जल्द ही जल्द ठीक होके अपने आदिवास में हम लोग इसको रिलीज कर देंगे, उसके जंगल में हम लोग रिलीज कर देंगे। इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, तो इसलिए हम लोगों ने इसको रेस्क्यू करके लेकर आए हैं रेस्क्यू सेंटर, और ये हमारा रेस्क्यू सेंटर है। और हम लोग कोई भी जानवर यहाँ पे आता है तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके ही रिलीज कर देते हैं, चाहे स्नेक हो या फिर कोई भी जानवर। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।